हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस फिलहाल भाई अभी मस्त नहा धो के मैं हो चुका हूँ रेडी, और भाई अभी जा रहा हूँ अपनी गुरखा की वॉशिंग कराने के लिए, बिकॉज भाई जो अपनी गुरखा है भाई बहुत गंदी पड़ी हुई है, तो गुरखा की आज मस्त वॉशिंग कराएंगे। बाकी भाई नाश्ते में है हमारे पास ब्रेड, ब्रेड के अंदर लगा हुआ है मस्त अपना पीनट बटर, तो मस्त खाएंगे, और साथ में दूध भी है, तो ये मस्त अपना नाश्ता हो जाएगा। ठंडा मम्मी को ठंड लग चुकी है, ठंड भागो 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 भागो। भाई यहाँ पे पापा मस्त चुलबुल की ग्रूमिंग कर रहे हैं। मेरा चंदा है तू, मेरा सुना है तू, मेरी आँखों का तारा है तू। चिल्बुल 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 चिल्बुल। और भाई यहाँ पे आ चुके हैं मनीष सर। सर क्या कर रहे हो सर? What are you doing? Nothing actually, we are just watching something something on? guitar practices and lessons here. तो भाई अपनी जो गाड़ी है भाई बहुत गंदी पड़ी हुई है, देखो भाई ये अंदर से देखो भाई क्या गंदी कीचड़ कीचड़ है। गाड़ी का हाल कुछ ऐसा हो चुका है भाई, ये हाल ऑफ रोडिंग के बाद नहीं भाई, बिना ऑफ रोडिंग के हाल हो रखा है भाई। तो गाड़ी की पूरी वॉशिंग कराएंगे मस्त अच्छे से, और चलते भाई। भाई साहब गाड़ी में पूरे स्क्रैच स्क्रैच पड़ गए, ये क्या है? नींबू है क्या? ये क्या है भाई? बहुत सारे लगे हुए पेड़ में है, क्या है? नींबू टमाटर क्या है? व्हाट इज दिस गाइस? गाड़ी के अंदर एंटर करते ही गाइस गाड़ी का हाल पूरा बेहाल हो रखा है भाई, पूरी गंदी, इंटीरियर गंदा, एक्सटीरियर गंदा, सब गंदा सिवाय ओए ये क्या हुआ? गियर नीचे आ गया अपने आप। ये क्या हुआ अपने पे? पता नहीं गाइस। और भाई गाड़ी के अंदर भाई दिवाली की शूटिंग के बाद ओम की भाई सारे बमी बम गाड़ी में पड़े हुए हैं, तो सब फेंकने भाई सब। तो भाई आज करवाएंगे हम गाड़ी की क्लीनिंग अंदर से भी और बाहर से भी अच्छे से। बाकी मनीष सर हमारे साथ है एज ऑलवेज, मेरे गुरुजी। सर व्हाट इज दिस? कुछ मिला है क्या? पता नहीं यार है, कुछ तो है यार। अमरूद है क्या? अमरूद थोड़ा है, छत में हाँ हल्के दाग वाग लगे मेरे, गंदा गंदी है। ये देखिए छत है, ये सारा आ जाएगा इसके अंदर ना। ये इस पे नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा रहता है ड्राई क्लीनिंग। अच्छा ड्राई क्लीनिंग का रहता है। तो भैया आज क्लोज है फिर? आज क्लोज है। तो कल मिले फिर? आइए कल सेवा हम देंगे आपको, आप अगर जब काम कराएंगे तो आपको खुद ही मजा आएगा। चलिए चलिए कल मिलते हैं फिर आपसे। ओके 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 ओके। तो गाइस अभी फिलहाल अपना वॉशिंग सेंटर जो है आज क्लोज है, तो अब फिलहाल भाई कल आएंगे देखते हैं कि क्या रहता है। ओके भैया कल मिलते हैं, हैव अ गुड डे। तो गाइस बेसिकली भाई अभी हम कहीं जा रहे थे कुछ काम से अपने, तो रास्ते में हमको मिले सब्सक्राइबर और बड़े स्मार्ट लग रहे हो, चिंता मत करो, श्रेष्ठ नाम है ना, एंड अभी 11th में हूँ आप। और बेसिकली गाइस श्रेष्ठ जो है सितारगंज रहता है, बट यहाँ पे बेसिकली 11th क्लास में कोचिंग कर रहा है आकाश से, और यहाँ पे अकेले हल्द्वानी में रूम लेके रहता है, खुद ही कुकिंग करता है। हाँ खुद ही करता है, खुद ही खाना वाना, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब खुद। अभी जाऊँगा बनाऊंगा। क्या बनाओगे अभी? वही दाल भात बनाऊंगा। दाल भात और गैस पर सब है? हाँ गैस पर सब है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? मम्मी है ना पापा? ना पापा सब सितारगंज है सब। और मम्मी? वो भी सितारगंज। पूरी फैमिली वहाँ रहती है? तो पूरी फैमिली अलग है, बच्चा अलग है, तो पहले तो मन नहीं करता जाने का? जाने का मन करता है, याद आती होगी सैक्रिफाइसेस। और भाई 10th क्लास में कितनी पसंद आई थी? मेरी आई थी 97.6। तो भाई 10th में 97.6 आई थी। बंदा तैयारी कर रहा है इंजीनियरिंग की? साइंस में 100 थे। साइंस में 100 थे, तो जेई निकालना है फिर? हाँ निकालना है। IIT कौन सा? IIT मुंबई। IIT पबई है ना? ये चलो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे ठीक है। ओम भाई देख लो भाई, भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी मेहनत करो। ओम भाई पढ़ाई करो बस, बढ़िया करते हैं ओम भाई भी, मतलब अपना कैरियर एक तरीके से ना उनका तो डेवलप हो ही रहा है, डेवलप हो ही रहा है। बाकी बस पढ़ाई 10th में अच्छे से परसेंट आ जाए, उसके बाद तो कैरियर है ही, कैरियर है ही। चलो श्रेष्ठ फिर मिलेंगे, ऑल द बेस्ट। और भाई कल से भाई ओम के प्री बोर्ड भी है। प्री बोर्ड, प्री बोर्ड जिंदाबाद। प्री बोर्ड पढ़ लेते ना? प्री बोर्ड के लिए हाँ पढ़ ही रहा हूँ थोड़ा बहुत। कौन सा प्री बोर्ड है कल? SST पढ़ ली। हाँ 22 चैप्टर आ रहे हैं। 22 चैप्टर पूरा सिलेबस? हाँ भाई साहब घुसा दे। SST में फेल हो जाएगा ये, प्री बोर्ड में फेल हो जाएगा, ये प्री बोर्ड में फेल हो जाएगा।
बाकी भाई मैं घर पहुंच चुका हूँ, मेरे बहुत सारे काम थे आज मार्केट में, तो सारे काम करके आया हूँ। शाम के बच्चों के अपने पूरे पूरे 5, सॉरी गाइस बहुत बिजी हो गया मैं आज, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई। अभी फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ गिटार सीखने के लिए। अभी जा रहे हो क्या? हैं? अभी जा रहा हूँ भाई। तूने तो सीख लिया भाई, गिटार मंगा के छोड़ दे तूने, गिटार मंगा के छोड़ दे। हैं? बेटे क्या बेटे, पहले गिटार दे दो भाई, गिटार दे दो अब गिटार बजाएंगे, लेकिन बाद में गिटार बजाएगा तू, गिटार बजाएगा। हैं? तू गिटार बजाने के लायक ही नहीं है, तो गिटार छूने के लायक भी नहीं है ना। गिटार बजाएगा तो गिटार पहले गिटार। मम्मा भाई मेरा बर्थडे की गिटार दे दो, गिटार दे दो, गिटार के लायक नहीं है, गिटार लेगा तू, लायक नहीं है, गिटार बजाएगा तू, गिटार बजाएगा तू, गिटार है, पढ़ाई कर ले जाके गिटार बजाएगा तू, गिटार चुलबुल चुलबुल है, पांच ही बड़े जा माइला, कोई चीज नहीं बदल सकती। आई एम बैक बेंचर एंड आई विल बी बैक बेंचर। भाई पढ़ ले भाई, फेल हो जाएगा, दसवीं फेल बोलेंगे तेरे को, दसवीं फेल। गिटार छोड़ दे, तू गिटार बजाई मत भाई, लेकिन तू पढ़ाई कर ले। दसवीं फेल हो गया ना, बनूंगा एनिमल, घर छोड़ के चले जाऊंगा और पूरी दुनिया में राज करूंगा। क्या बनेगा? एनिमल। एनिमल तो तू है ही, वाइल्ड एनिमल है तू। ओ भाई छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, मैं कर लूं अब। भाई एक काम कर, मंदिर में जा और गिटार लेके आ बाहर। क्यों लेके? बिकॉज मैंने शूज पहने हैं। जा गिटार लेके आ भाई, हमारा गिटार है मंदिर में, हमारी सरस्वती माता है, सरस्वती माता गिटार है ना। तूने तो बहुत बजा लिया, अब मेरी बारी है। यस माई गिटार भाई साहब, मस्त गिटार बजाऊंगा भाई, मस्त गिटार सीखूंगा। मम्मा बाय बाय, आई एम गोइंग फॉर गिटार क्लासेस, गिटार क्लासेस जाऊंगा मैं, प्रणाम। आपको गिटार में जाने लग गया? गिटार सीखूंगा, डांस सीखूंगा मम्मा, ये तो उम्र सीखने की। एंजॉय करो लाइफ को, एंजॉय करो, पीस। मम्मा लाइफ इज ऑल अबाउट स्टडी, सीखते रहो, गिटार सीखो, कैशो सीखो, तबला सीखो, डांस करो। एक दिन जाओ फिर बाकी दिन भूल जाओ। भाई साहब कितने प्यार से भाई, मैंने ओम को गिटार दिया था, कितने प्यार से। ओम अपने बर्थडे में मांग रहा था, बजाने का टाइम मिला। भाई साहब ये गिटार मैंने भाई ओम को इतनी मेहनत से दिया और इसने इस गिटार की रेड़ मार दी भाई। तू रहने दे भाई, तेरी बस की नहीं है, तू छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, तेरी बस की नहीं है, मैं सीखूंगा इसको, छोड़ दे। छोड़ यार भाई छोड़, तेरी बस की नहीं है, छोड़। अभी देख उसमें मूवी में ऐसी होने लग गई तो आर्टिस्ट मर जाएगा भाई। ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आया, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये ख्याल आया, रिश्ते में फासले बहुत क्रिंज है, काफी ज्यादा क्रिंज सफरी कंटेंट है, ठीक है। रिश्ते में ना क्या ही बोलूं भाई, तू ना इसके लायक नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लायक है, वो ये है भाई। क्या? ये नकली यूके ले ले, इसको बजा ले। तो गाइज आई एम ऑल सेट टू गो फॉर माई गिटार क्लासेस, तो गिटार इज ऑल सेट टू गो विद मी, तो चलते हैं भाई, गिटार मेरे पिट्ठू पे है, तो चलते हैं और गिटार सीखते हैं, कम ऑन चलो। सर आ रहे हो? जल्दी आओ सर। तो गाइस अभी मेरे साथ भाई मनीष सर भी जा रहे गिटार सीखने के लिए, क्योंकि भाई उनके पास भी मस्त महंगा वाला गिटार पड़ा हुआ है, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे हैं। उन्हें कब से इच्छा थी कि भाई वो गिटार सीखे, अच्छा गिटार प्ले करे, बट भाई उनको सीखने का मौका ही नहीं मिला, ना टाइम मिला, बट अब फाइनली टाइम मिला है। और भाई उनको हल्के फुल्के बेसिक्स भी पता है गिटार के, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन सीखे थे। तो भाई अभी तो भाई मैं और मनीष सर भाई साथ में गिटार सीखेंगे। भाई मैंने तो भाई गिटार लिया था भाई ओम के लिए, लेकिन भाई ओम ने गिटार का कद्दू बना दिया। भाई गिटार सीखना तो बहुत दूर की बात है भाई, ओम ने अभी तक गिटार अच्छे से बजाया भी नहीं है, अच्छे से छुआ भी नहीं गिटार को। तो भाई सामने से हमारे मनीष सर पधार रहे हैं, है ना, हमारे देवता। ये देखो भाई साहब गिटारिस्ट। मनीष सर के साथ मैं सीखूंगा गिटार। तो सर ऑल सेट टू गो? यस फुल पावर, जस्ट अबाउट फुल पावर, बिकॉज़ फुल पावर हमारे साथ है। बोलू
बोलू फुल पावर चलो बोलू भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं गिटार क्लासेस में एंड सामने है गिटार क्लासेस अपने मस्त यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली रिमूव योर शूज बट मैंने स्लीपर्स पहनी ये भी रिमूव करने क्या हेलो सर कैसे हैं ब्लॉगिंग चल रही है तो भाई भाई अभी तो भाई थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट कर दिया है आज आज फर्स्ट डे की गिटार क्लासेस हो चुकी है एंड आज भाई मैंने कुछ सीखा नहीं बट हमने आज गिटार वगैरह सेट करा अपना स्ट्रिंग्स वगैरह सेट करी है तो अब ये है कि कल से गिटार सीखेंगे मनीष सर अरे मेरा गिटार टेढ़ा हो गया गिटार गिटार कल से देखेंगे कि कितनी डिफिकल्टीज रास्ते में आती है फिर टेढ़ा हो गया गिटार क्या हो गया उसको ये एक दिन में तू टेढ़ा है ये एक दिन में बोल गया भाई गिटार तो भाई अभी तो भाई हम पहुंच चुके हैं डांस क्लासेस में और देखते हैं कि गिटार के बाद क्या हम डांस करेंगे भाई पांडे जी का बेटा हूँ हमने ऑलमोस्ट गिटार कर लिया है गिटार सीख भी लिया है आज और अब नाउ इट्स द टर्न फॉर डांसिंग पार्टी डांस करेंगे डांस डांस भी करेंगे भाई वॉलीबॉल तो सीखना तो नहीं है वॉलीबॉल क्रिकेट सब करना है भाई भाई यहाँ पे आ चुके डांसर्स गैंग भाई डोला 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 ओ भाई साहब अल्टीमेट है भाई ईशु भाई क्या करने वाले आज हम गाइस पहले मैं तो अपना लुक ठीक करूंगा ठीक है उसके बाद बोलूंगा आज हम करने वाले हैं थोड़ा पानी चला रहा है ये भाई ओके बाय बाय स्कूटी आ चुकी है गुड नाइट सर सो ड्रीम्स तेरे घर में ही रहती है भाई सो ड्रीम्स बाय सुबह मिलना है 5 बजे ओके तो गाइस भाई फिलहाल भाई अभी तो भाई मैं पहुंच चुका हूं अपने घर भाई गाड़ी कर दी है पार्क अब चलते भाई अपने घर की ओर गिटार डांस वांस सब कर लिया है नाउ लेट्स गो अपने घर चलते हैं और घर में मिलते हैं आपसे चुल्लू चुलबुल मम्मा गिटार सीख लिया मैंने पूरा गिटार पूरा सीख के आ चुका हूं और डांस भी कर लिया मैंने आज
आज मैं डांस क्लासेस गया और वहाँ जिम जिम नहीं गया, जिम मिस हो गया। बहुत ही बढ़िया, जा जिम जा, 9 बजे तक जिम करके आ। नहीं यार थक गया यार, बहुत डांस कर दिया यार, 8 महीने से 1 घंटा डांस जिम करके आ। भाई डांस कर दिया बहुत आज, डांस कर दिया यार बहुत ज्यादा, जिम जाऊँ क्या यार, लेट हो जाएगा बहुत यार। डाइट खा रहा है, पढ़ाई कर ले डाइट वेट, कल खा लियो पढ़ाई कर ले, कल तेरा प्री बोर्ड है। अबे तो क्या हो गया फिर, पढ़ने में था वो क्लास में, सच्ची सच्ची पढ़ रहा था। हां 5 चैप्टर निपटाए 10 घंटे लगा के। हां करा, मतलब इस बार फेल नहीं होगा। अच्छा, अरे तो एसएसटी में कौन सा फेल हुआ था पिछली बार? ऐसा है ना, अब के अगर तू फेल हुआ, ये चाकू तेरे गाल से यहां से डाल के दूसरी तरफ निकाल दूंगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां फेल और पास है रोजाना। मार दूंगी मार, याद रखना। तो भाई फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के अपने 9:15, और भाई खाना अपना रेडी है, खाने में है पनीर की सब्जी और रोटी, तो मस्त खाते भाई। और भाई सामने से आ चुके हैं पापा। पापा क्या हाल है पापा? कल ओम का प्रीबोर्ड है और ओम कुछ नहीं पढ़ रहा है, सीधी बात है। क्या कर रहा है फोन में? पढ़ रहा हूं यार। कहां पढ़ रहा है भाई? चैटिंग कर रहा है फोन में भाई, इंस्टाग्राम भी उड़ गया बेटा। फोन फान रख दे, मैं तो बोल रहा हूं कुछ समझ ले, फोन को साइड में कर दे, पढ़ाई कर ले। ठीक है, पढ़ाई तो कर रहा है, ऐसी बात नहीं यार। पढ़ाई कर तो रहा है ना, लेकिन कंफर्म नहीं है ना कि पास होगा कि नहीं होगा। अबे पास नहीं होगा, नहीं होगा क्यों बोल रहा बार बार यार? पास होगा कि नहीं होगा? पास होगा, 100% पास होगा, ऐसा नहीं बोलता ना, नहीं होगा नहीं होगा। क्यों तू हर बार पिछले बोल रहा कि पास होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उसके ऊपर? हाँ कॉन्फिडेंस तो है ना, लेकिन जब ये मैथ्स में फेल हो गया तब से मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया। कुछ नहीं है बेटा, बड़े बड़े लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ता है आदमी, आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर जाते हैं दोबारा, फिर चढ़ते हैं। हमको कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखना। ठीक है, उसको वो मत क्या करना, डीमोटिवेट नहीं करना, मतलब डीमोटिवेट मत कर उसको भाई, ऑल द बेस्ट। और पास होगा और अच्छे नंबर से पास होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है बेटे। क्या है? मेरा कॉन्फिडेंस है। ओ भाई साहब, 100% पास होगा, अच्छे नंबर ला के पास होगा और दिखाएगा सबको। ओम भाई ऐसा है क्या? पक्का प्रॉमिस? मम्मा पक्का प्रॉमिस है? पक्का चुलबुल? पक्का चुलबुल? पक्का हाँ बोल। सीट क्यों हो गया? हाँ बोल रहे अभी। तो बस गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे, अभी हो चुकी है सुबह मस्त, तो अभी करते हैं ब्लॉग के पे एंड। अगर आपको ब्लॉग देख के मजा आया, कुछ चैनल पे स्माइल आई, आपने एंजॉय करा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह, टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह तैयार रहना, टिल देन बाय बाय। देखते हैं कि उनका प्री बोर्ड कैसा जाता है और कैसा नहीं, वो देखना आप कल के ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।